हेलो सो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशोक। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए क्या हूँ दोस्तों, ये ड्यूल बेस और चार्ट यहाँ पे लाइनरे का सेटअप, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा अलग सेटअप होने वाला है। अलग कैसे कि आप इसको डीजे लाइव या फिर बड़े शोज जो होते हैं वहाँ पे भी इसको यूज़ में ले सकते हैं। और मैं हूँ यहाँ पे अभी SLV पे, मतलब टर्बो ऑडियो के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दिखाने वाला हूँ, मज़ेदार से टेस्टिंग देखेंगे। और क्वालिटी प्रोडक्ट है भाई, ये पूरा कंपनी फिटेड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ फिट करा है और आपको दिखा दिया, कंपनी फिटेड फैक्ट्री फिटेड जिसे हम कहते हैं, वो सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं हमारे टॉप को, उसके बाद मैं आगे जो है वो सारी डिटेल आपको बताऊंगा। टॉप में अगर यानी हमारे जो लाइनर है इसकी बात कहूं तो ये चार लाइनर अभी आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस मॉडल नंबर की बात करूँ, इस लाइनर की स्पेसिफिक, तो ये है टर्बो ऑडियो का TA210LA। ये बेसिकली डबल 10 इंच के स्पीकर के साथ में आता है और एक HF यहाँ पे सेंटर में देखने को मिलता है। सबसे पहले क्वालिटी में आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है टर्बो ऑडियो की। ग्रिल पे आप देख सकते हैं कॉटन टाइप का यहाँ पे क्लोथ लगाया गया है, इसकी मतलब लुक्स को जो है ना भाई इनहेंस्ड फील दे रहा है। यहाँ पे ये इसके वेव गाइड्स हो जाते हैं, अगेन जो कि HF है वो आपको सामने से कहीं से भी नहीं दिख रहा होगा। ये टेक्नोलॉजी अलग है, ये काफ़ी मतलब एडवांस होता है। अगर आप जब भी HF को सुनेंगे इसको तो काफ़ी अच्छी आपको जो है वो आउटपुट मिलेगी, या फिर कह सकते हैं कि मिठास ही मिलेगी, कानों में चुभेगी नहीं। इस हिसाब से जो है वो यहाँ पे इसके जो है वेव गाइड को डिज़ाइन करा है। अगर मैं साइड की फिनिक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसके साइड की फिनिक्स में यहाँ पे जो है आपको ये इसकी फिटिंग्स देखने को मिलती हैं। अगेन यहाँ पे सारी फिटिंग्स जो है वो भाई क्वालिटी को जस्टिफाई कर देती है कि हाँ क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है। ये यहाँ पे इसके पिंस हो जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कितने सॉफ्टली जो है यहाँ पे पिंस इसके जो है वो अंदर बाहर हम कर सकते हैं। तो ये पिंस भी जो है वो अच्छी क्वालिटी के आपको पिंस जो है वो देखने को मिलते हैं। ओवरऑल यहाँ पे पेंट जो है वही सेम सेंटेक्स वाला पेंट यहाँ पे रखा गया है। सेंटेक्स से मेरा मतलब कि वाटरप्रूफ, स्क्रैच प्रूफ यहाँ पे ये पेंट रहेगा। थोड़ा पानी चले जाए यहाँ पे अगर स्क्रैचेस आते तो इससे बचा रहता है। हैंडल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पीछे जो है वो आपको हैंडल का कवर भी यहाँ पे मेटल का देखने को मिलता है। तो क्वालिटी से कोई भी यहाँ पे समझौता नहीं होता, ये एलन बोल्ट्स जो है उसको टाइट करके रखे। तो यहाँ पे ये आपको साइड में हैंडल प्लस यहाँ पे इसकी जो कि फिटिंग्स है, फिटिंग्स के अंदर भी आपको यहाँ पे हैंडल जो है वो देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से जो है ये रैक करे हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये इस तरीके से जो है वो रखे हुए हैं। कोई भी नीचे हमने यहाँ पे जो है इसका फ्रेम नहीं लगाया तब भी ये ईजिली जो है वो रैक हो गए हैं। तो यहाँ पे ये देख लीजिए हैंडल मिल जाता है। पीछे आपको टर्बो ऑडियो की ब्रांडिंग है, ये पूरा इनग्रेव यहाँ पे करा हुआ है। टर्बो ऑडियो TA सीरीज है, बेसिकली TA210। दो स्पीकर्स मिल जाते हैं, वन इन वन आउटपुट के लिए। काफ़ी अच्छा यहाँ पे लुक जो है वो पीछे से पूरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पीछे से पूरा लुक देख लीजिए। और अगेन ये पूरा का पूरा जो कि आपको लाइनरी देखने को मिलता है, ये पूरा बर्च क्वालिटी का लाइनरी है। बर्च के साथ साथ जो इसकी बर्च की क्वालिटी होती है या फिर आउटपुट में भी ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है मार्केट के किसी भी और यहाँ पे लाइनरी से। तो ये है इसका लाइनरी का क्वालिटी। अभी अगर मैं इसकी थोड़ी बहुत स्पेशल्स की बात करूं तो सबसे पहले हम पावर रेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 250 प्लस 250 वॉट का जो है वो स्पीकर मिलता है। अगेन 250 प्लस 250 मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप सुनेंगे तो ये 250 प्लस 250 नहीं लगेगा, ये जनरली बोलूँ 500 प्लस 500 की आउटपुट जितना यहाँ पे फील होता है। और मैं भी पहली बार जब मैंने सोचा कि चलो लाओ लाइनर के स्पेशल्स देखें तो देखा तो वहाँ पे तो ये 600 वॉट यहाँ पे RMS पावर ने कंपनी में, तो ये एक्चुअल यहाँ पे पावर जो है वो आपको मेंशन करी है। 125 वॉट का यहाँ पे आपको HF देखने को मिलता है। अभी मैं ना आपको एक काम करता हूँ, HF और स्पीकर दोनों दिखा देता हूँ ताकि आपको क्वालिटी का एक बार आइडिया लग जाए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम स्पीकर की बात करेंगे तो यहाँ पे ये स्पीकर हो जाता है और स्पीकर को मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ। आप मार्केट में ज़रूर जाइएगा, इस साइज़ का स्पीकर या फिर इस मोटर का साइज़ जो है ना, इसके मैग्नेट का साइज़ है, वो एक बार ज़रूर देखिएगा कि वहाँ पे कितनी पावर जनरली मेंशन करी है। यहाँ पे तो भाई इसका जेन्युइन पावर जो है वो 250 वाट ही यहाँ पे जो है मेंशन करा है। ये देख लीजिए ये 250 वाट का पावर मेंशन करा है, TA10N250 250 वाट 8 ओम्स का स्पीकर हो जाता है। यहाँ पे स्पाइडर की क्वालिटी आप देख लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से मिलता है। कोन जो है वो यहाँ पे वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ से मेरा मतलब कि मॉइस्चर नहीं जाएगा। बाय चांस होता क्या है कि लाइनर आप आउटडोर में यहाँ पे लगाते हैं, बर्च तो है यहाँ पे अप्लाई, बर्च का फ़ायदा आपको यह है कि एक तो पानी से ये कभी घलता या घुलता नहीं है, मतलब ख़राब नहीं होता इसका अप्लाई। और यहाँ पे स्पीकर भी जो है सामने से आपको इतना दे दिया कि ये वाटरप्रूफ रहने वाला है स्पीकर। बात करूँ स्पीकर के साथ साथ इसके HF की, तो HF दोस्तों यहाँ पे ये टर्बो ऑडियो का दे सकते हैं,
ये टर्बो ऑडियो का आपको HF मिलता है, ये है TA125N जो कि 125 वाट का आता है। ये एक सिंगल HF यहाँ पे जो है प्लेस करा गया है इन दो स्पीकर्स के साथ में, और इसकी क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव बनाता है ये वेव गाइड से, मतलब कि इसका जो कि डिज़ाइन है इसके फ्लेयर का, वो इसकी क्वालिटी को और इनहेंस्ड फील देता है क्वालिटी में। अभी बात करते हैं, ये तो हो जाता भाई, हाँ चलो हमारे लाइन रहे, अभी मैं आपको बेस के बारे में भी बताऊँ। ये दोस्तों यहाँ पे बेस जो कि है टर्बो ऑडियो की ड्यूलेटिन बेस, ड्यूलेटिन से मेरा मतलब कि भाई बेस जो है ना वो तगड़ी है, और इसका थ्रो से लेके आपको जो कि फील है बेस का वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा होने वाला है। अब अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूँ तो ये टर्बो ऑडियो की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है टर्बो ऑडियो TA218 यानी 218 यहाँ पे जो आपको इसका मॉडल नंबर देखने को मिलता है। फ्रंट पे आप देख लीजिए जो कि इस प्रकार से आपको ग्रिल देखने को मिलती है, साइज़ आपको ना अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलता है। अगेन कोई भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है इस बेस के साथ में, मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी वाइज जो है वो काफ़ी तगड़ा है। अभी तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, जब ये ओपन ग्राउंड में भी जाएगी ये बेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तहलका मचाने वाली है। तो इसके अंदर जो कि बात करें इसके साइड की या फिर इसकी कैबिनेट्स की क्वालिटी, कैबिनेट में सबसे पहले भाई ये बर्च क्वालिटी है। बर्च से मेरा मतलब कि आपका एक तो बेस जो है वाटरप्रूफ हो गया, उसके लाइफ जो है वो बढ़ गई, गलता गुलता नहीं है। पेंट भी यहाँ पे जो है वो सेंटेक्स पूरा देख लीजिए, पूरा पेंट जो है वो सेंटेक्स यहाँ पे करा गया है। ऊपर ग्रूव्स भी दिए गए हैं ताकि आपके जो टॉप है या फिर और बेस भी अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे फंस जाए और हिले डुले ना, जैसे कि यहाँ पे कोई भी आपको गैपिंग नहीं देखने को मिलती, तो इससे एक फायदा रहता है। साइड के हैंडल की बात करूं तो टर्बो ऑडियो की यहां पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है, क्वालिटी वाइज देख सकते हैं कि यहां पे किस तरीके की फिनिशिंग आपको देखने को मिलती है। पीछे आ जाते हैं, पीछे अभी यहां पे ये देख लीजिए टर्बो ऑडियो की ब्रांडिंग, साथ ही साथ ये ड्यूल स्पीकर्स के ऑप्शंस मिलते हैं, वन आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर आप पैच करना चाहते हैं तो। यहाँ पे ये बेस का जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं, पूरा 4 फीट का है, तो काफ़ी हैवी बेस हो जाती है। और ओवरऑल इसका जो कि स्पीकर है ना वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन देता है, इसका स्पीकर वो क्यों देता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, पीछे मैं भी बताता हूँ इसको, देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए 5 इंची में आपको कितनी पावर मिल रही है, 1500 वाट मिली है, और मार्केट में आपको 5 इंच में कितनी पावर बोली जाती है जनरली, यहाँ पे जो आपको एक्चुअल पावर होता है वो यहाँ पे बताया जाता है, 5 इंची कॉल है। इसके अलावा ये मॉडल नंबर ये देख लीजिए आपको कैटलॉग में भी देखने को मिला है, मैं कैटलॉग डाल दूंगा तो इसको और भी आप स्पेशल देख सकते हैं, TA185C यानी 5 इंच कॉल। तो ये ड्यूल सिलिकॉन स्पाइडर्स आ जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये ड्यूल सिलिकॉन आपको स्पाइडर देखने को मिलते हैं, मैं थोड़ा सा ना आप करके आपको दिखा देता हूँ ये ड्यूल सिलिकॉन से बैठे। इसके अलावा यहाँ पे साइड वेंटिलेशन सिस्टम भी आपको देखने मिलता है, कोन जो है वो यहाँ पे वाटरप्रूफ मॉइस्चर प्रूफ रहने वाला है। जैसे कि बताया कि लाइनरें भी हमारे यहाँ पे वाटरप्रूफ ऑलमोस्ट हो चुके हैं, क्योंकि स्पीकर से लेके आपको कैबिनेट भी जो है वो पूरा बर्च में कैबिनेट बर्च हो जाता है, तो अगेन कोई भी पानी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। पेंट भी इस तरीके की क्वालिटी का रहा है, तो बेस को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया है कि पानी वानी के सामने से कुछ थोड़ा बहुत भी चले जाए तो कोई दिक्कत आपको ना हो। तो ये तो हो जाता है बेस ड्यूल 18 की कंप्लीट, जो कि एक बेस की पावर बनने वाली है वो 3000 वाट बनने वाली है। अब इसके लिए जो कि कॉम्पेटेबल एम्पलीफायर है जो सजेशन में रहते हैं वो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है हमारे SLV के BL सीरीज, काफ़ी फेमस सीरीज है। अगेन आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको भाई परचेज करा है, मुझे ऐसा लगता है कि SLV की सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग एम्पलीफायर ये BL सीरीज ही है। ये BL7 यहाँ पे 2 मिल जाते हैं जो कि हमारे लाइनरे को रन कर रहे हैं, वन पीसिस पे ठीक है ना, तो 4 पीसिस पे चले जाते हैं। BL14 पे हमारी 2 ड्यूल की 18 की बेसें चल रही हैं। इसके साथ साथ जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, या फिर कह लीजिए एम्पलीफायर तो चलिए आपने लगा लिया, बेस भी लगा लिया, ये जो कि DSP है। DSP का स्पेशल मतलब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसके लिए एक स्पेशल स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपको डिटेल में बता पाऊँ कि हाँ DSP कैसे वर्क करता है हमारे टर्बो ऑडियो का। और यहाँ पे ये है इसका, ये देख लीजिए, ये आप इसको मिक्सर कह सकते हैं, आप इसको ऑडियो कार्ड कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और यहाँ पे मेरा भी मन था कि एक बारी मैं ज़रूर टेस्ट करूँ, तो हम इससे ही टेस्ट करने वाले हैं DJ22, जिसका बजट हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम हो, या फिर जिनको एक कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर एक मिक्सर भी कह सकते हैं, यहाँ पे माइक्स का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो ये आप जो परचेज सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन जो है आपके पास मिल जाते हैं जो कि SLV के ही यहाँ पे वेबसाइट या फिर आपको कैटलॉग में मिलेंगे, जो कि आप अपने मिक्सर जो है वो सिलेक्शन दे सकते हैं इस सेटअप के साथ में। अभी तगड़ी सी टेस्टिंग मतलब तहलका वाली टेस्टिंग आपको दिखाता हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों कैसे लगे दोस्तों, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट करना। दिल खुश हो गया, बेस का जो थ्रू है वो दूर तक मालूम चल रहा था। 5 इंच में मुझे नहीं लगता था कि इतनी तगड़ी बेस आ सकती थी। वाकई में जो परफॉर्मेंस है बेस का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ जो कि लाइनर है, जैसे मैंने बताया ये लाइनर मुझे लगे ऐसे रहते कि भाई ये 1000-1100 वाट के होंगे, बट नहीं, जब मुझे को यहाँ पे कंपनी ने बताया कि ये आपको 250+250 वाट के स्पीकर के साथ में आता है, तो मैं कहूँ भाई इतना आउटपुट कैसे आ रहा है। अगेन यहाँ पे काफ़ी कमाल इसका DSP का भी है, कुछ सेटिंग्स का भी होता है। तो सजेशन ये है मेरी तरफ से परचेज़ करने के लिए, क्या आप अपने नियरेस्ट डीलर से बाय करें। वहाँ पे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको इसकी टेस्टिंग तो मिल जाएगी, दूसरे प्रोडक्ट को आपको जो है वो जानने में और अच्छा मदद सा मिलेगा। तीसरा, यहाँ पे जो कि मैंने बताया ना DSP की सेटिंग्स होती हैं, आपको कुछ सीखना है तो वो सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको पॉपअप भी हो रहा होगा SLV ऑडियो का, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर, यहाँ पे वेबसाइट भी डिटेल्स में दे दूंगा, तो आप अपने जो है नियरेस्ट डीलर का जो है वो एड्रेस पता यहाँ से ले सकते हैं और इसको सेटअप को या इस लाइनर को या फिर कोई भी पार्ट इसमें से चाहिए हो तो उसको भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।